गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट SST, यूनिट इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जो बेरोजगारी होती है वो कई कई प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो उसमें हमने देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ये ऐसी बेरोजगारी होती है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम में लगे रहते हैं। ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ग्रामीण इलाकों में, ख़ास तौर से खेती के काम में। फिर दूसरी बेरोजगारी हमने देखी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। इस बेरोजगारी में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसे साल में कुछ समय के लिए काम नहीं मिल पाता, जैसे खेती में कटाई और बुआई के समय, सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड के टाइम में मज़दूरों को काफ़ी काम रहता है, लेकिन बाकी समय उनके पास कोई काम नहीं होता। इसके अलावा हमने देखा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक ऐसी बेरोजगारी थी जो पैसे की कमी की वजह से पैदा होती है, या संसाधनों की कमी की वजह से पैदा होती है, या प्राकृतिक संसाधनों के अंडर यूटिलाइजेशन की वजह से पैदा होती है, या फिर मज़दूरों की मांग ज़्यादा हो काम कम हो और मज़दूर ज़्यादा हो। इसके अलावा हमने देखा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगार। भारत के सामने ये समस्या बड़े पैमाने पर है। हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीकी बेरोजगारी। ये जो बेरोजगारी थी ये ख़ास तौर से तकनीक में जो परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से पैदा होती है। जैसे एक एग्जांपल हमने देखा, कंप्यूटर के आने के बाद बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिन गया, लेकिन ये जो बेरोजगारी है ये नुकसानदायक नहीं है और ये कुछ समय के लिए ही बनी रहती है। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट से जो समस्याएँ पैदा होती हैं, जो दिक्कतें सामने आती हैं उनके बारे में। लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बेरोजगारी की वजह से जो मानव संसाधन है उसे नुकसान पहुंचता है। टाइम ऑफ कंट्रीज लेबर फोर्स इज वेस्टेड फॉर वांट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देश की काम करने वाली जो फोर्स है, ताकत है, लोग हैं, मजदूर हैं, उनका सारा समय काम की तलाश में खर्च हो जाता है। इट ऑल्सो लीड्स टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। साथ ही साथ बेरोजगारी की वजह से जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किए जाते। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज इन पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो बेरोजगारी जो है गरीबी की प्रमुख वजह है। इन स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए मैन इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ इनकम। बेरोजगारी की दशा में एक इंसान, उसके सारे माध्यम छिन जाते हैं पैसा कमाने के, और वो किसी भी तरह से पैसा नहीं कमा पाता। अनएम्प्लॉयमेंट देयरफॉर जनरेट पॉवर्टी। इसीलिए बेरोजगारी की वजह से गरीबी पैदा होती है। पीपल आर अंडर हैवी डेब्ट्स। लोगों पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो जाता है एंड देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई, और उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं। सोशल प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो द कॉज ऑफ मैनी सोशल प्रॉब्लम्स। बेरोजगारी की वजह से बहुत सारी दूसरी सामाजिक समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, सच एज टेररिज्म, जैसे आतंकवाद है, डिसऑनेस्टी, इमोरेलिटी, अनैतिकता, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, ब्राइबरी, रिश्वत देना, थेफ्ट एंड रोबरी, चोरी चकारी आदि। ऐसी बहुत सारी सामाजिक समस्या बेरोजगारी की वजह से पैदा हो जाती है। बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए सोशल सिक्योरिटी इज जियोपेडाइज, द इकोनॉमिक गोज आउट ऑफ गियर,
द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर गोसअप, सरकार का जो पैसा है जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में खर्च होता है वो बढ़ जाता है। द यूथ ऑफ इंडिया आर बिकमिंग ड्रग एडिक्ट्स एंड दे डू नॉट हैव एनी गेनफुल जॉब एंड आर बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो देश की जो युवा जनरेशन है देश की, वो ड्रग्स एडिक्ट बनती जा रही है, वो नशे की लत उनको लगती जा रही है, एंड दे डू नॉट हैव एनी गेनफुल जॉब और उनके पास कोई काम भी नहीं है, एंड बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड और ये युवा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट गिव राइज टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री, बेरोजगारी की वजह से देश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती है। अनएम्प्लॉयड यूथ आर इजली एंटीसाइड बाई एंटी सोशल एलिमेंट एट द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड देम वर्क। तो जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें आसानी से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो उन्हें मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, क्योंकि सरकार इन लोगों को काम देने में नाकामयाब रहती है। द लॉस ऑल फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और उनका जो विश्वास है लोकतांत्रिक सिद्धांतों में वो समाप्त होने लगता है, एंड पीसफुल मीन्स और शांतिपूर्ण तरीकों से। द लॉन्च एजिटेशन एंड इवन समटाइम्स डू अनलॉफुल एक्टिविटीज, और ये लोग विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं और कभी कभी अनलॉफुल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी गतिविधियाँ भी करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नो न्यू इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस, और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कोई भी नया निवेश नहीं हो पाता, और जो इकनॉमी है, इकनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास है, वो धीमा हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, लेबर्स आर एक्सप्लॉयटेड टू द मैक्सिमम इन स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की दशा में जो मजदूर हैं उनको मैक्सिमम उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। दोज लेबरर्स हु आर लक्की टू गेट एम्प्लॉयड हैव टू वर्क अंडर एडवर्स कंडीशन एट लो वेजेस, जो मजदूर खुशकिस्मत हैं जिन्हें रोजगार या कोई काम मिल जाता है, उन्हें एडवर्स कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में और कम वेतन पर काम करना पड़ता है। ऑल दिस टेल अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ लेबरर्स, और ये सारी चीज़ें मजदूर की जो क्षमता है, कार्य कुशलता है, उस पर असर डालती। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास, टिल देन स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।